एक गुल खान ते एक जमशैद खान इस सरहंद तो भेजे हुए दो पठान ने इन्हां नूं वजीर खान ने भेजिया आ। दरअसल बहादुर शाह जदों गुरु दा सरदालू बनिया वजीर खान नूं बहुत ज्यादा चिंता हुई क्योंकि इन्हें वह पाप किया जेड़ा कदे भी नहीं जे बख्शिया जा सकता बज्जर पाप इन्हें वह पाप किया। सियाने कहिंदे एड्डा वड्डा इहदा पत्थर दिल पापी दा खबरे उह कैसे लोक सन वैसी दरिंदे पत्थर दिले फुल्लां नूं को के मारे आ जेड़े सरन बेचारे अध खिड़े इन्हें बाजां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे अड़ खिड़े फुल छोटे साहबजादे शहीद कराए सिन्निया विच चण के इहनूं अपना पाप सतांदा सी। इन्हें आख्या कदे मेरी मौत दे वरंट ना वजीर खान सोचदा है कदे बहादुर शाह मैनू मारन वास्ते ना हुक्म भेज देवे ओह तो पहला ही मैं अपने दुश्मन नूं मार दिया। लालच दे के दोवें बंदे भेजे ये हजूर साहब आए हजूर साहब महाराज के चरणों में नतमस्तक होए ते सत संगत जी पाप की बिरती लैके गुरु के चरणों में मत्था टेकिया एक रस्मो रस्मी दिखावे वास्ते मत्था टेकिया वरना गुरु के चरणों में मत्था टेकन के नाल बड़े बड़े पाप कर्म धोए जाते हैं। ज्ञानी शोभा सिंह जी वचन कर रहे सन गुरु के चरणों की वो बख्शिश है जिवें सत संगत जी मोर के अखर पुठे होंदे ना दिसदे नहीं पर जदों उही मोर कागज ते लग जांदी है सिद्धे हो जांदे ने यही गुरु के चरणों मत्था टेकन का प्रताप है। साढ़े मत्थे दे मंदे पुठे लेख सानू नहीं दिसदे पर जदों लेख असी गुरु के चरणों नू छुआ देंदे आ ना वो साडा मस्तक फिर लेख सिद्धे हो जांदे आ ते साढ़े ते सत संगत दी कृपा हो जांदी है। पर उहनां दे जिन्हां दे मन विच भावना होवे जिन्हां दे मन विच प्रेम होवे कदे कदे इन्हां दा मन भी बदल जाया करे गुरु प्रति प्यार भी जागे पर जदों सत संगत जी उत्थे होर लोकां नूं मिलण तुरकां नूं मिलण ते उह फिर इन्हां दा मन बदला देण वी थोड़े वड्डे वडेरियां नूं भी मारिया सी इन्हां दे वड्डे वडेरियां ने। दरअसल इह जिहड़े ने ना गुल खान ते जमशैद खान ने पेंदे खान दे परिवार विचों ने पेंदे खान नूं गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उहदी कीते दी सज़ा दित्ती सी उह कहिंदे थोड़े वड्डे वडेरियां नूं इन्हां दे दादा जी ने मारिया सी तुसीं अपना बदला लिओ ते बड़े कमाल दीआं गल्लां वचन इतिहास च लिखे ने गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ विच भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कहिंदे इक दिन महाराज ने इन्हां नूं इक खंजर दित्ता कहिंदे लै आ लै जाओ ते इक खंजर महाराज कोल सीगा ते महाराज कहिंदे देखो किन्ना वधिया खंजर है इहो जिहा खंजर होवे ते अपना विरोधी दुश्मन सामने होए ते बंदा फिर भी ना वार करे ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮਰਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੌਤਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮਾਰ ਦਈਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ मारे कर्मां दा करके सत संगत जी सीधे राहे ना पए मौका ताड़दे रहे। इन्हां ने सत संगत जी सितंबर महीने विच करीब 17-18 तरीक नूं उह समय ताड़ लिया जदों महाराज जी तंबू विच विराजमान सन बाकी संगतां मत्था टेक के चली गईआं चौर बदार भी महाराज नूं मत्था टेक के बाहर चला गया पर जमशैद खान अंदर बैठिया रहा ते मर्द ने आख्या जा भलिया तू भी आराम कर जाके असीं भी आराम करिए सुख लईए महाराज जी पासा वट के परले पासे मूँह करके मेरे सतगुरु जी आराम करन लग पे ते पापी जमशैद खान उत्थे बैठा रहा इन्हें उही खंजर हाथ विच फड़िया मन दीआं गिणतीआं गिणदा आ इस तों वधिया मौका नहीं जे मिलना इन्हें अपने वड्डे वड्डे भरा गुल खान नूं बाहर भेजिया कहिंदे बाहरों कोई आए ते मैनूं इतलाह इशारा कर देवी इन्ना चिर तक मैं अपना काम करने वास्ते मैं पूरी तैयारी कर लवां जदों कहिंदे गुल खान ने इशारे नाल दस्या वीर जी सारा रस्ता साफ है तुसीं अपना काम कर दिओ इस पापी ने सजे वेखिया खब्बे वेखिया इधर उधर वेखिया गुल खान तो लैके इशारा महाराज दे कोल पहुंच गया अंतरजामी सतगुरु अपनी मौज विच नेत्र बंद करके पए ने पर इस पापी दे मन विच सत संगत जी प्यार ना आया ये पापी गुरु महाराज सचे पातशाह नूं मारन वास्ते तैयार हो गया ते इस जालम जलाद जमशैद खान ने महाराज जी दी खब्बी पक्खी विच जिवें खंजर दा वार कीता उस नूं ढाडी अंदाज विच बेनती है इउं करदे आ बैठे तंबू च गुरु दशमेश जी बैठे तंबू गुरु दशमेश जी मौज नाल अखां मिटी
गाउणगे नश मेसदा लोकी सदा जस गाउणगे।